Hello everybody, I hope you all are doing great. Today we are studying class 5th Science Viz book and chapter 4th named The Nervous System. The Nervous System. So iske objectives kya hain? Ek hum brain ke bare mein padhenge, nerves ke bare mein padhenge, reflex action ke bare mein padhenge, spinal cord ke bare mein padhenge and sense organs ke bare mein padhenge. So सबसे पहले आते हैं ब्रेन्स के ऊपर, ब्रेन के ऊपर. सो इससे ऊपर जो लिखा है वो एक बार देख लेते हैं कि जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो है कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, किन किन चीजों के लिए नर्वस सिस्टम काम आता है. सो पहली चीज है सेंसेशन, कि हम कोई भी चीज महसूस करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम की वजह से महसूस कर पाते हैं, अदरवाइज हमारी बॉडी नम हो जाएगी, हम कुछ महसूस नहीं कर पाएंगे. नम का मतलब होता है कि एक तरह से पैरालिसिस, आप कुछ भी सेंस नहीं कर पाएंगे, आपकी बॉडी को दर्द भी नहीं होगा. सो दिस इज द वर्क ऑफ नर्वस सिस्टम. सेकेंड इज एक्शंस, हम जो भी एक्शंस लेते हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था. वॉलेंट्री एक्शंस मैंने स्केलेटल सिस्टम वाली वीडियो में बताया था कि जो भी हम करना चाहते हैं उसे कहते हैं वॉलेंट्री. सो इन सब एक्शंस के लिए भी नर्वस सिस्टम बहुत जरूरी है. ब्रेन के बारे में बात करते हैं. ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सीपीयू होता है, जैसे कि कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी का सीपीयू क्या होता है? ब्रेन, जिससे सब कुछ चलता है. सो इसके अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. मैसेजेस आते हैं जाते हैं ब्रेन के पास, जो कि बाहर से आते हैं फिर अंदर से बाहर को देने होते हैं जो मैसेजेस, वो सारी चीजें ब्रेन से ही चलती हैं. यही सारे ऑर्गन्स को चलाता है. व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या चीज कब करनी है, कैसे करनी है, सो ये सारी चीजें ब्रेन डिसाइड करता है. ये मूवमेंट ऑफ बॉडी भी कंट्रोल करता है कि बॉडी कब चलेगी, कब रुकेगी, कब बैठेगी, कब खड़ी होगी, कब लेटेगी, ऑल ऑफ दैट. सो आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये ब्रॉडली ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है. ये देखिए सेरेब्रम, जो कि फोर ब्रेन कहा जाता है जिसको, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला, सेरेबेलम एंड मेडुला. सो ये तीन चीजें आप याद रखें, ये आगे क्लासेस में भी बहुत काम आएंगी. सो मेनली जो ब्रेन होता है वो तीन भाग में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये भी याद रखें. पार्ट्स ऑफ ब्रेन मैंने जैसा कि बताया, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला. अब इनका काम क्या होता है? सेरेब्रम, सेरेब्रम यह बहुत जरूरी है मेमोरी के लिए. एक चीज को याद रखें, सेरेब्रम का मतलब होता है मेमोरी. ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा. सेरेब्रम, इसके आगे डैश करके लिख लीजिए मेमोरी, मेमोरी लर्निंग. जो भी चीज याद रखनी है वो सारी चीजें सेरेब्रम से होती हैं. कोई भी डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है किस सिचुएशन में, वो सब सेरेब्रम. सो यहां पे डैश करके आप लिखिए मेमोरी, लर्निंग एंड डिसीजन. ये तीन चीजें आप इसको यहां पे रखिए. अब सेरेबेलम की बात करते हैं. मेनली जो होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मतलब संतुलन बनाए रखने के लिए. अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी का संतुलन नहीं रहेगा, पैर कहीं और जाएंगे, हाथ कहीं और जाएंगे और बॉडी इवेंचुअली कोलैप्स हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी. सो बैलेंसिंग हमें कब कब चाहिए होती है, बैलेंसिंग या कोऑर्डिनेशन कब कब चाहिए होता है? आप चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, सो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. और कोऑर्डिनेशन किससे चलेगा? स्विमिंग करने में, चलने में मसल्स काम करती हैं. तो इन मसल्स को कंट्रोल करने वाला एक्चुअल में है सेरिबेलम, जो कि क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. अब यहां पे आप डैश करके लिखिए कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. सो ये जो वन वर्ड्स आप लिखेंगे इससे आपको पूरा क्लियर होता जाएगा कि ये किस लिए था, ये किस लिए था, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी. अब हम बात करेंगे मेडुला की. ये देखिए यहां पे मेडुला इज अ बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये जो बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन मतलब ब्रेन के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है. दूसरा क्या, इसको ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. ब्रेन स्टेम क्या होती है? स्टेम होता है तना. जो ब्रेन का तना होता है उसे ही मेडुला कहते हैं, क्योंकि वहीं से हमारी पूरी बॉडी ब्रेन से जुड़ी हुई है. अगर नेक एक जो जंक्शन है ब्रेन और बॉडी के बीच में, सो उसके जंक्शन के नेक के जस्ट ऊपर क्या होता है, मेडुला होता है. अब यह क्या कंट्रोल करता है?
यह कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। अगर आपको इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज याद नहीं आ रहा है, पिछली वीडियो को जरूर देखना है कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या होती हैं जिसमें हमारा कंट्रोल ना हो। जैसे कि ब्रीदिंग, आप सांस लेना रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हार्ट बीट रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। डाइजेशन मतलब पाचन रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। स्नीजिंग नहीं। इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग भी मेडुला से ही होती है। सो अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड, यह जो चैप्टर है ये वाला, बहुत हद तक पिछले वाले चैप्टर स्केलेटल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी जो कि इस चैप्टर में काम आने वाली हैं। सो उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें। सो नर्व्स की अगर मैं बात करूं, नर्व्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स बहुत पतली होती हैं, धागे की तरह होती हैं और पूरी बॉडी में फैली होती हैं। सो नर्व्स का मेन काम क्या होता है? नर्व्स का मेन काम होता है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे कि एक वायर होती है, आप यहां से स्विच दबाते हैं, ट्यूबलाइट जल जाती है। स्विच और ट्यूबलाइट के बीच में क्या है? वायर। वो वायर क्या है? नर्व्स। बॉडी में जो वायर का काम करती है वो है नर्व्स। यहाँ पे आपने कोई मैसेज दिया और वहां जाके इंटरप्रेट हुआ, ये किसने कराया? नर्व्स ने। अब नर्व्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। क्या? सबसे पहला लिखा हुआ है सेंसरी नर्व्स, दूसरा मोटर नर्व्स, तीसरा मिक्स नर्व, राइट। सो ये तीन तरह की नर्व्स है, सेंसरी नर्व। अब इसका ऐसा नहीं है कि वायर्स एक ही तरह की होती हैं, वायर्स अलग अलग तरह की होती हैं, उनकी वोल्टेज अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, करंट टाइप अलग होता है, एसी डीसी। सो अब नर्व्स भी अलग अलग तरह के हैं। सेंसरी नर्व, सेंस करने वाली। सेंस मतलब हमें पता चले कि कुछ हुआ है। ये कब होगा? अगर आप स्किन पे टच करें तो आपको पता चलेगा टच हुआ है। ये किसने काम कराया? सेंसरी ने। सो इसका मतलब है कि ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक काम करती है। यहां डैश डाल के लिखिए सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। सो इसमें क्या क्या आएगा? टच, स्मेल, हियर, फील, टेस्ट, ये सारी चीजें सेंसरी नर्व्स के अंदर आएंगी। अब इसका जस्ट अपोजिट है मोटर नर्व्स। यह गया था सेंस ऑर्गन टू ब्रेन, अब यह आएगा ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, मतलब सेंस ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट्स के पास आएगा। अब जब ब्रेन के पास चीज पहुंच चुकी है तो वह काम करेगा। तो यह मोटर नर्व्स का काम है कि ब्रेन से बॉडी पार्ट के पास सिग्नल पहुंचाना है कि अब हम क्या करें, राइट। सो इसके अंदर क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ मसल्स। जब मसल के पास मैसेज आया तो वह मूव करना स्टार्ट हुई। सो दिस वॉज मोटर नर्व। मिक्स नर्व क्या है? मिक्स नर्व है, ये दोनों का काम करती है, सेंसरी का और मोटर का भी। एंड कैसे? कैरी मैसेजेस फ्रॉम टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का क्या मतलब होता है? आप मेरे हाथ को देखें, टू एंड फ्रो का मतलब होता है ये, दिस। इट मींस आगे पीछे, आगे पीछे। ब्रेन से सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से ब्रेन, ब्रेन से सेंस ऑर्गन से ब्रेन, ब्रेन ऑर्गन, ब्रेन ऑर्गन। दिस इज टू एंड फ्रो। सो यह काम करता है मिक्स नर्व। अब हम एक बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। इस वर्ड से ही पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। रिफ्लेक्स मतलब तेजी से, रिफ्लेक्स मतलब बिना सोचे समझे, रिफ्लेक्स मतलब बहुत सडनली, रिफ्लेक्स मतलब बहुत एनर्जी से किया गया एक्शन ही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। अब आप मेरी एग्जांपल को सुने। अगर आप चाय बना रहे हैं और आपने गलती से गर्म वेसल को छू लिया तो क्या आप हाथ हटाने से पहले सोचते हैं? आंसर है नहीं। अगर आप किसी इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं और आपको करंट लगता है तो आप हाथ हटाने से पहले सोचते हैं? रीजन है नहीं। रीजन क्या है? कि यह रिफ्लेक्स एक्शंस काम करते हैं, मींस सडन एक्शंस जिसमें आपको सोचना नहीं है, सिर्फ बचाव करना है। सो यह सारी सिचुएशन जो मैंने बताई, यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ेंगे और उसे कोशिश करेंगे कि आप महसूस कर सकें। जैसे कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो है फायर पे, कैंडल पे अगर आप हाथ लगाएं तो गर्म लगा, आपने तुरंत हटा लिया, क्यों? अब ये चीज इतनी जल्दी क्यों हो पाती है? क्योंकि मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ही सारा काम कर देती है और वहीं से मैसेज चला जाता है। सो अब हम बात करेंगे आईज की। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या आता है? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, राइट। सो अब एक एक करके बात करते हैं। सबको पता है क्या बेसिक फंक्शन होता है और इन्हें सेंस ऑर्गन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आउटर वर्ल्ड को इनर वर्ल्ड से जोड़ती हैं। आउटर वर्ल्ड जो आपके आसपास हो रहा है, इनर वर्ल्ड जो आपके अंदर हो रहा है। सो
सारी चीजें हैं कि आईज क्या करती है, ये क्या करती है, देखने में काम करती है, जैसे हमें देखना है तो आईज की मदद से देखेंगे। इसके ऊपर क्या क्या होता है, आईब्रोज होती हैं, आई लैशेज होते हैं एंड आई लिड्स होती हैं। ये आपको लगता होगा कि ये इनका काम क्या है, इन सारी चीजों का काम एक ही है, आपकी आंखों को बचाना, किससे, डस्ट से, स्वेट से, लाइट से, इंजरी से, सारी चीजों से बचाना काम है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको सुंदर दिखने के लिए बनाई गई हैं, आप सुंदर तो इनसे दिखते ही हैं बट आपका बचाव भी करती हैं, तो ये दोनों काम के लिए बनाई गई। अब हम बात करेंगे ईयर्स की, कान, आर ईयर्स हेल्प अस टू हेयर साउंड, मतलब हमारे साउंड को सुनने के लिए। अब एक नई चीज आपके लिए है कि अगर आपके कान नहीं होते तो आप सीधे नहीं चल पाते, इसका मतलब यह बैलेंसिंग का काम करती है, दोनों तरफ बैलेंस बना के रखती है। ये बात मेरी मान के देखिए, अगर आपकी ईयर्स नहीं होते तो आप सीधे चल नहीं पाते, आप ऐसे चलते कि जैसे आप ड्रंकार्ड हैं, मतलब आपने दारू पी है, इस टाइप से आप चलते, राइट। सो दिस वॉज द मेन फंक्शन, बैलेंसिंग ऑफ ईयर एंड हियरिंग साउंड। अब यह जो इस चीज को क्या कहते हैं, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना कहते हैं इसे, PINNA। यह काम क्या करता है, आपको लगता होगा यह भी डिजाइन है, नहीं, यह आपकी जो आवाजें हैं बाहर की उनको कलेक्ट करता है। आपको लग रहा होगा ये ट्यूब सा है, ये ट्यूब क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब है, यहां से पहले कलेक्ट होके साउंड इसके इस पहली ट्यूब के अंदर जाएगी, फिर दूसरी ट्यूब के अंदर, फिर इवेंचुअली कहां पहुंच जाएगी, अंदर। सो दिस वॉज द फंक्शन ऑफ ईयर पिन्ना, राइट। अब हम बात करेंगे नोज की, देखिए, इट हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल्स, सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए, ब्रीदिंग के लिए, मींस सांस लेने के लिए। इसके अंदर टाइनी हेयर्स होती हैं और म्यूकस होती हैं, विच प्रिवेंट डस्ट, जर्म्स एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। जो टाइनी पार्टिकल्स और म्यूकस जो होता है, जैसे जो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, वो हमें डस्ट और जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और यहीं से कोरोना भी आपके अंदर नहीं जा सकता, इस वजह से टाइनी हेयर एंड म्यूकस काम करते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे टंग की, टंग क्या है, सबको पता है, टेस्ट के लिए, टेस्ट किस वजह से हो पाता है, टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स, ये चीज अंडरलाइन करें, टेस्ट बर्ड्स की वजह से ये टंग को आप यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए, अगर टेस्ट बर्ड ना होते तो कुछ नहीं हो पाता। सो सॉर, स्वीट, बिटर एंड सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स होते हैं सारे अलग अलग तरह के, जिसपे आप इसे टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। टेस्ट बर्ड्स हैव नो एंडिंग दैट कैरी टेस्ट मैसेजेस टू द ब्रेन। अब इसके अंदर नर्व एंडिंग भी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि ये अगर आपने कुछ मीठा खाया, आपको कैसे पता चला, क्योंकि नर्व्स ने ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचाया। सो दिस दैट्स हाउ टंग वर्क्स। अब सेकेंडली स्किन, स्किन क्या है, स्किन फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, मतलब पूरी बॉडी में फैला हुआ है स्किन। सो दैट्स वाई स्किन हमारा सबसे बड़ा, मतलब लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है इसके अंदर, ये सबसे बड़ा है, इस वजह से इसके अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी नर्व्स एंडिंग होती हैं, मतलब नर्व्स बहुत सारी होती हैं। ये हमें सेंसेशन, मतलब दर्द, हीट, कोल्ड, प्रेशर, सारी चीजें हमें स्किन से ही पता चलती हैं कि कुछ हो रहा है, राइट। सो द स्किन स्वेट्स थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन इट्स सर्फेस टू रिमूव सम बॉडी वेस्ट। अब इसके अंदर जो पोर्स होते हैं, आपको लगता होगा पसीना कहां से आता है, तो हमारी स्किन के अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको यह चैप्टर अच्छा लगा, आपको अपनी बॉडी के बारे में कुछ जानना है और अपनी लाइफ से रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ लाना चाहते हैं, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है आज ही, मीन्स 6th of June को। सो आज ही आप जाएं यूट्यूब पे, आप लिखें सरदार जे एस खालसा, SARDAR, सरदार कैपिटल जे कैपिटल एस एंड खालसा KHALSA। सो आप उसे सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगी जो आपको लाइफ में ग्रो करने को हेल्प करेंगी, आपको 24 घंटे पॉजिटिव रखेंगी। रीजन बीइंग, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो है, एवरीवन इज डीमोटिवेटेड, एवरीवन इज डिप्रेस्ड, बिकॉज अपने घर में बैठे बैठे कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो मेरे साथ जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज का आनंद लें, अगर पसंद आए तो उसे शेयर भी करें। सो दिस वॉज आर चैप्टर विच वॉज द नर्वस सिस्टम, आई होप यू लाइक्ड इट।
सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और फिर मैं आपकी क्वेरी जरूर देखूंगा और उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।